हम देखेंगे शिक्षण योजना भाषा, इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में चार कॉलम रहेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा एक, विषय कलरो हिंदी, समय 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, बच्चे पक्षियों के विषय में जानते हैं और अपने स्थानीय भाषा में बात करते हैं। दूसरी हेडिंग रहेगी प्रकरण, बतख और चूजा, ये पाठ का नाम रहेगा। तीसरी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ पुस्तक, कार पुस्तिका, मोबाइल, आईसीटी और दीक्षा ऐप। चौथी हेडिंग रहेगी सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ, इसमें चार कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा चरण और तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। सबसे पहले पहला चरण रहेगा शिक्षण की शुरुआत में, इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। प्रतियोगिता प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर इसका आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से पक्षियों के संबंध में बातचीत करेंगे, उनसे पानी के महत्व आदि के विषय में चर्चा करेंगे तथा नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन कराएंगे। बतख के बच्चे हैं 8, घूमते फिरते हरदम 7, चोंच गुलाबी पंख सफ़ेद, नहीं है इनमें कोई भेद। उपयुक्त कविता के संबंध में शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जैसे बतख के कितने बच्चे हैं, बतख हमेशा क्या करती रहती है, बतख की चोंच कैसी है, बतख के पंख किस रंग के हैं। अगले हेडिंग इसी में शिक्षण के दौरान, इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट और सहभागिता देखकर आकलन किया जाएगा। शिक्षण के दौरान कक्षा में शिक्षक बच्चों को यू शेप में बैठाकर पाठ पुस्तक कलरों में पाठ 9 बतख और चूजा पेज संख्या 48 खोलने को कहेंगे। अब शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। इसके आगे देखते हैं, और बच्चों को अपने साथ बोले गए शब्दों पर उंगली फेरने को कहेंगे। समूह कार्य, अब शिक्षक बच्चों को दो दो के समूह में बैठाकर पाठ के चित्र देखकर समूह को आपस में बातचीत करने के लिए कहेंगे। शिक्षक कक्षा में समूह का अवलोकन करके समूह में चर्चा के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसी में दूसरा समूह कार्य है, या इसको हम गतिविध कह सकते हैं, पाठ में बतख शब्द कितनी बार आया है, उस शब्द में सभी बच्चों से गोला लगाने को कहेंगे और उसे गिनकर बताने को कहेंगे आदि शब्दों के साथ। इसी प्रकार कुछ शब्द जैसे चूजा, बच्चा, बोला आदि शब्दों के साथ इसी प्रकार की गतिविधि बच्चों द्वारा करवाएंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के बाद में शिक्षक, इसका ये समय 10 मिनट निर्धारित है। प्रश्नोत्तर द्वारा इसका आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ के संबंध में कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे चित्र को देखते पहले चित्र को देखकर बच्चों बताओ अंडे में से क्या निकला, दूसरे चित्र में अंडे में से क्या निकला, देखो मैं तैर रहा हूँ किसने कहा था, और चौथा प्रश्न है बचाओ बचाओ कौन चिल्लाया, और पांचवा प्रश्न है कौन डूब रहा था। उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर बच्चे अपने स्थानीय भाषा में देंगे। शिक्षक बच्चों द्वारा बोले गए स्थानीय भाषा को मानक भाषा में परिवर्तित करके बताएंगे। शिक्षक मानक भाषा को श्याम पट पर लिखकर बच्चों को बोलने का अभ्यास करवाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग इसी में है, पांचवी, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट, इसके लिए 5 मिनट समय निर्धारित है। शिक्षक बच्चों को अंडा का चित्र घर से बनाकर लाने को कहेंगे। लास्ट हेडिंग है शिक्षक की आगामी कार्य योजना, शिक्षक शिक्षण के दौर के आकलन के दौरान आई परेशानियों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।